हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के। इतने सारे स्टोरीज और कमेंट्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप। तो गाइस, आज का जो प्लान है वो इगतपुरी जाने का है और ये प्लान मेरे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ बना है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से प्लान वगैरह चल रहा था कहीं घूमने चलते, ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए, किसी का मिलना वगैरह कुछ हुआ नहीं। तो फाइनली डिसाइड हुआ इगतपुरी एक्सप्लोर करने का। तो हम सब नवी मुंबई से स्टार्ट कर रहे हैं, नवी मुंबई से इगतपुरी कुछ 120 किलोमीटर से बाय रोड। इगतपुरी ये जगह स्पेशली इसके क्लाइमेट, वाटरफॉल, डैम्स, माउंटेन्स के लिए फेमस है। तो अगर आप नेचर लवर है, ट्रैकिंग करना पसंद करते हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स करना पसंद करते हो, तो ये जगह आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। कसारा घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक ढाबे पे चाय नाश्ता करने के लिए रुके हैं। बॉडी और बैक की पूरी हालत हो चुकी है, बहुत दर्द हो रहा है। पहले कभी इतना रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस है नहीं, तो बस यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक के चाय नाश्ता करके चल देंगे। तो गाइस, अभी हम विहिगाओ ब्रिज के यहाँ पे आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा स्पॉट लग रहा है चिल मारने के लिए। दूर दूर तक बस पानी पानी दिख रहा है। मन तो कर रहा है जाके कूद जाओ सीधा, लेकिन गहरा है काफ़ी। सो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा आराम करता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, और तब तक आप यहाँ के सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करो। Just come, we must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane, we must merely make a start. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. A few moments later. Oh, hi, oh, hi. Violence, violence. Yeah, फिर तो चल ना, इधर आ जा, काले डुक्कर है अपना। ये आ रहा है, सांप आ रहा है। क्या आ रहा है
स्पाइडरमैन बन के आ रहा है साला। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because. विपासना इंटरनेशनल एकेडमी आ चुके हैं, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ पे आने के लिए कोई एंट्री फी वगैरह नहीं है, आप इनके ऑनलाइन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी हम लोग को ये अंदर जाने नहीं दे रहे लॉकडाउन की वजह से, बट अगर आप ऑनलाइन इनके कोर्सेज के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है तो आप जा सकते हो। गाइस, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया उनको, तो उन्होंने 2-3 मिनट के लिए हमको अंदर आने के लिए अलाउ किया है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है ये, इतना ज़्यादा पीस है यहाँ पे, थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा शांति है। वापस वहाँ जाने का टाइम हो गया। अगर आप वन डे ट्रिप प्लान कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू विजिट दिस प्लेस। रेनी सीजन के टाइम पे आपको और ज़्यादा अच्छा फील आएगा इस प्लेस का, जगह जगह ग्रीनरी और बहुत सारे वाटरफॉल देखने के लिए मिलेंगे। सो नाउ आई विल टेक योर लीव, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चुम्मा।